न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डिजिटल युग में अनेकों प्रकार के प्रलोभन से जनता हो रही है साइबर ठगी का शिकार। ठगी से बचने को जानिए एक्सपर्ट की राय। कन्नौज में डिजिटल पेमेंट और कैशलेस होती इनोकॉमी के इस दौर में साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड भी एडवांस हो गए हैं। बदलते समय के साथ साइबर अपराधियों ने भी अपराध का तरीका बदल लिया है। कैशलेस और ई पेमेंट के दौर में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इस तरह के क्राइम में अपराधी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे। साइबर अपराधी इन दिनों लोगों को लिंक भेजकर फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर गूगल व फोन पे पर रिक्वेस्ट भेजकर लोगों की गाड़ी कमाई लूट रहे हैं। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे इसको लेकर गुरुवार को हमारी टीम पुलिस लाइन स्थित साइबर सेल कार्यालय पहुंची, जहां टीम ने साइबर सेल प्रभारी कुलदीप यादव से बढ़ रहे साइबर अपराधों के बारे में जानकारी ली। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बढ़ने के कारण लोगों का बिना जानकारी के सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास कर लेना, इस वजह से लोग साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक कारण ये भी है कि डिजिटल युग में ऑनलाइन माध्यम से दिए जा रहे प्रलोभन से जनता साइबर ठगी का शिकार हो रही है। साइबर क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को किस तरह से बचना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए? आमतौर पर जो आजकल हमारे पास प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा किसी लोग एक दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे कोई भी ओएलएक्स पे है या किसी अन्य ऐसी मार्केट की जो प्लेटफॉर्म है जिन पर कोई गाड़ी बिक रही है या कोई और पुराना फोन बिक रहा है, उस पर हम लोग बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं कि किसी आदमी की फोटो लगा दी, उसमें किसी आर्मी पर्सन का दिखा दिया, उसी का कार्ड लगा दिया और हम इसको यही मान लेते हैं कि आर्मी पर्सन है। आमतौर पर होता क्या है कि वो एक फ्रॉडस्टर होता है और वो किसी दूसरे की आईडी से आपको ट्रैक करता है और आप यही समझ लेते हैं वही व्यक्ति, और आप उसके विश्वास में आ जाते हैं, उसको पैसे दे देते हैं, ये भी एक ट्रेंड है। दूसरा ये है कि कोई परिचित बन के आपको कॉल करता है कि हमें 10 रुपये, आपको 10,000 रुपये आपके अकाउंट में डालने हैं, और डालने के नाम पर पहले वो 10 रुपये डालता है, फिर एक रिसीव का मैसेज भेज देता है तो उसमें से आपके अकाउंट से करीब 10,000 या 20,000 का अमाउंट कट जाता है, ये भी एक फ्रॉड है। दूसरा इस तरीके का है कि लोग फेसबुक आईडी बना लेते हैं अपने परिचित, आपके परिचितों को रिक्वेस्ट भेजते हैं और बताते हैं कि हम हॉस्पिटल में हैं, हमारे साथ ऐसी ऐसी ट्रस्टी हो गई है, हमें इतने पैसे की आवश्यकता है, हम कॉल नहीं कर सकते, आप हमारे इस अकाउंट पर पैसे डाल दीजिए। तो ये भी एक ट्रेंड है और बहुत सारे ऐसे हैं जो गूगल साइट पर हम लोग कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी का पेमेंट फंस जाता है, उसको पैसा नहीं मिल पाता या अमाउंट नहीं मिलता है, तो फिर वो गूगल पर जा करके उसका कंपनी का उसका कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करता है, वो कॉन्टैक्ट नंबर उस ऑथेंटिक कंपनी का ना हो करके फर्जी कंपनी का या जो मैं कहूँ कि एक फ्रॉडस्टर द्वारा आईडी पे अपलोड कर दिया जाता है और उसके आधार पे वो एक धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हम अपने किसी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं और उससे बात ना होकर के फ्रॉडस्टर से बात होती है और वो फ्रॉडस्टर अपने विक्टिम के मोबाइल में एनी डेस्क है, टीम व्यूअर ऐसे और भी रिमोट एप्लीकेशन है जिनको रिमोट एक्सेस मिल जाता है, आपके फ़ोन के अंदर घुस जाते हैं, सारा डाटा आपका ले लेते हैं। तो ये इस तरीके के ऐसे धोखाधड़ी वाले केसेस हैं जो आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, उनको हम दोनों लोग प्रयास करते हैं कि और टीम के सहयोग से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनको रिकवर करें, और उनको हमारा प्रयास पहला ये रहता है कि हम अकाउंट को फ्रीज कराएँ, पब्लिक को जानकारी दें और उनके पैसे को वापस कराएँ, इसके बाद फिर हम उनको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। एक नया ट्रेंड भी और सामने आया है, अभी जैसा हमने 2-3 केसों में अभी एनालिसिस किया है, हम ये वर्कआउट करने की स्थिति में है, अगर आगे होता है तो आप लोग अवगत कराएंगे, आपके माध्यम से जनता को भी अवगत कराएंगे कि जो हम लोग अंगूठे के माध्यम से जो पैसे निकालते हैं इसको आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।